कहां से निकाल ली इन्होंने, ने गन डाला हुआ, ने पूरा बंद किया हुआ है, ठीक है, स्मार्ट सिटी कर दिया, जनता इनको जूते लगाएगी, इनको मारेगी, जब गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनको आप इनका खून चूसना बंद कर दीजिए, इतने बड़ा चोर है अश्विनी गुप्ता, अश्विनी गुप्ता जो अश्विनी शिव कुमार गुप्ता है एक्शन जूडियो सबसे बड़ा चोर है, वो 3 साल से अंदर बैठा इसी में बैठा हुआ है, पिछले साल भी हमने उसके पास गए, वो छुप के अंदर भाग गया, बनाना हमने बनाना है, पब्लिक ने बनाना है, ये किसका काम है, सरकारों का काम होता ना नाले, डिपार्टमेंटों का काम होता ना, तो डिपार्टमेंट काम क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है, बात बताएं ना पैसा कहाँ जा रहा है, ये 5-7 दिन में ये नहीं करके देंगे तो हम पूरा रोड ब्लॉक करेंगे, नरवाल पूरा पूरा हाईवे बंद करेंगे, जी अभी ये औरतें घर में बैठने वाली नहीं है, ये किसी का छोटा बच्चा रात को कुछ हो जाता है, बीजेपी बीजेपी गुस्से की लहर है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों की तादाद में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम जम्मू शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर चले जाएं, तो क्या हालत है यहाँ की अवाम की, यहाँ की पुलों की, यहाँ की सड़कों की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस वक्त हम पंचायत नरवाल वार्ड नंबर 7 राजीव नगर में मौजूद हैं, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी वो आप जानते ही हैं, और उस बारिश की वजह से यहाँ पर ये पुली जो है वो गिर चुकी है, इसके साथ साथ इस पुली के बिल्कुल साथ में यहाँ पर मकान भी हैं और इन मकानों को भी खतरा है, लेकिन क्या मजाल के इंतज़ामिया का कोई शख्स यहाँ आया हो, इन लोगों से बातचीत की हो और ये कहा हो कि इस पुली की मरम्मत जो है वो करवाई जाएगी। आज राजीव नगर के लोग जो है वो बाहर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और यहाँ पर एक बच्चा भी रात को जो है वो गिरा है, और वो बच्चे की तस्वीरें भी आप सामने देख सकते हैं कि इससे भी लगी है बैंडेज वगैरह जो है अभी इसके चेहरे पर लगी हुई है यहाँ पर गिरने के कारण। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कब ये पुली गिरी है और क्यों स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं गगन बराल वार्ड नंबर 7 नरवाल पंचायत से, मैं पंच वार्ड नंबर 7 का। कब ये पुली गिरी थी यहाँ? ये सर ये 3-4 पुली तो ये 3 साल से चल रहा रुतबा, ये 3 साल से यही काम चल रहा है, ठीक है, 3 साल से देखो पीछे 8 साल हो गए, कैजुअलिटी पीछे हुए, जब से 2014 के पहले काम हुए, 2014 के बाद एक भी काम इन्होंने नहीं किया। एक्शन साहब शिव कुमार गुप्ता जी हैं, ठीक है, एक्शन साहब जूडीए के, ठीक है, हम उनके पास 3 साल से हमें उनके पास दौड़ते हमारे पास लेटर पड़े हैं उनको जाते जाते, वो कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं है, पैसे नहीं हमारे पास, ये 3-4 दिन से गिरा हुआ है, देखो कैजुअलिटी कितनी बड़ी होने वाली है, आपके सामने है ना, ये रात को बच्चा गिर गया इसी पुली के नीचे, इसे बच्चा गिर गया रात को, ठीक है, अब ये मिट्टी शिट्टी तोड़े के लिए आया, ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तोड़े नीचे लगाने हमने तो इधर के लिए पैसे नहीं है, जब किसी की कैजुअलिटी किसी की डेथ हो जाएगी कि अभी छोटा बच्चा जी बच गया रात को, इसको देखो कितनी कैजुअलिटी इसको है, ये बाकी स्मार्ट सिटी है कहाँ पे है स्मार्ट सिटी, ये कहते हैं स्मार्ट सिटी पे ये लूट खसूर कर रहे हैं, GST पे टैक्स लगा रहे हैं, आटे पे टैक्स लगा रहे हैं, इन्होंने पेंसिलों पे टैक्स लगाया, शार्पनर पे वो लगाया, पहले सरकारें नहीं चलती थी, पहले भी 2014 से पहले भी सरकारें चलती थी, इतनी कभी कोई किसी को नहीं हुआ, इतनी परेशानी है गरीब लोगों पर, परेशानी है, ये इतने GST लगा, इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है नाले के लिए, पैसा नहीं लग रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। मेरी बात सुनिए, देखिए ये जनता समझ चुकी है, जो झोला मोदी जी ने पहले बोला था, हम क्या फकीर आदमी, हम तो झोला उठा के जाएंगे, इनका झोला उठने वाला है, मेरी बात सुनिए, ये झोला उठने वाला, ये जनता झोला उठाएगी, कैसे उठाएगी कि राशन कार्ड के पहले, राशन कार्ड पहले भी चलते थे, पहले भी राशन मिलता था, 35-35 किलो एक बंदे को राशन मिलता था, ठीक है, आज इन्होंने किया है, इन्होंने दुड़ा दुड़ा के आधार कार्ड लिंक कराओ, वो आंटी इधर आना एक मिनट, ये आंटी है बेचारी, इसके इधर आओ आगे देखो, ये आंटी है, ठीक है, ये इनके घर वाले की डेथ होगी 2-3 साल से, ठीक है, ये बेचारी क्या कहती है, उधर TSO ऑफिस जाती है चट्ठे में, उधर क्या करते हैं, उधर से अंगूठा लगा के अपना लिंक आधार करके लिंक करके आती है, इधर डीलर कहता है कि मशीन पे वो इसका अंगूठा नहीं है, ये जाती फिर जाती 500 रुपये किराया खर्च के जाती है, फिर उधर TSO दफ्तर में इतनी परेशानी है कि लोगों ने ये ठगा महसूस कर रहे हैं, लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बातें छोटी छोटी बातें गिनाने पर आएंगे ना तो इधर तो 10 घंटे आपको वाइट देते लग जाएंगे, ठीक है, हमारा ये मुद्दा है, नाले का मुद्दा है हमारा, ये नाला हमें ये 5-7 दिन में नहीं करके देंगे तो हम पूरा रोड ब्लॉक करेंगे, नरवाल पूरा हाईवे बंद करेंगे, जी अभी ये औरतें घर में बैठने वाली नहीं है, ये किसी का छोटा बच्चा रात को कुछ हो जाता है, थोड़ी सी भी बारिश आए इस मकान को भी खतरा है, ये मकान भी यहाँ पर देखो, मैं कह रहा हूँ कि बारिश, मेरी बात सुनिए, ये सभी
मेरी बात सुनिए, हम सुबह, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, सारे पूजा पाठ पर हम इस घर के लिए हम सुबह दुआ मांगते हैं कि हमको रात को नींद नहीं पड़ती, कि सुबह रात को गिर नहीं जाए। मेरी बात सुनिए, मैं खुद पंच हूँ, ठीक है, मैं खुद पंच हूँ। हमें 3 साल से हमारे पास पूरे जी मैडम हमारी हरविंदर कौर जी, हम 3 साल से इसी चक्कर में ढूंढते फिर रहे हैं। आप देखो ये तो छोटी पुली है, ठीक है, एक बड़ी मेन पुली है जो पूरा अंदर लिंक करती है, राजीव नगर को लिंक करती है। अभी किसी के एम्बुलेंस पे डेड बॉडी लेनी है, कहाँ से निकालनी उनके, मोदी जी के सिर पे निकाल ली है, कहाँ से निकाल ली इन्होंने, ने गन डाला हुआ, ने पूरा गंद किया हुआ है, ठीक है, स्मार्ट सिटी इन्होंने पूरा दिमाग खराब कर दिया। जनता इनको जूते लगाएगी, इनको मारेगी, जो गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनको आप इनका खून चूसना बंद कर दीजिए, इनको मार पड़ेगी। परसों कविंदर गुप्ता जी आए, इन्होंने लेटर पैड दिया, उन्होंने कहा कि हमने एक्शन को भेज दिया, जेई को भेज दिया। एक्शन सबसे बड़ा चोर है अश्विनी गुप्ता, अश्विनी गुप्ता जो अश्विनी शिव कुमार गुप्ता है, एक्शन जूडियो सबसे बड़ा चोर है वो। 3 साल से अंदर बैठा, इसी में बैठा हुआ है, पिछले साल भी हमने उसके पास गए, वो छुप के अंदर भाग गया, ठीक है। हम छोटे छोटे बच्चों, कोई मर गया, इस बच्चे को कुछ हो गया, किसी को हो गया, सारी जिम्मेवारी मोदी सरकार की होगी, एलजी झूठी की होगी, एक्शन शिव कुमार गुप्ता की होगी। जे मैं आपसे बात हूँ, बीजेपी बीजेपी लोगों में गुस्से की लहर है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता है, क्योंकि पुली गिर चुकी है, मकान भी गिर सकता है, और यहाँ पर एक बच्चा भी यहाँ पर गिरा है, और इस बच्चे की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस बच्चे को भी जो है वो चोट आई है, और अभी तक इंतजामिया जो है वो ख्वाबे गफलत में सोई हुई है, न जाने किस बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। मैम क्या कहना चाहेंगी, ये पुली कब टूटी है और क्यों इंतजामिया अभी तक इसकी मरम्मत नहीं करवा रही? जी पुली की बात छोड़ो, ये पिछली साइड देखिए जरा, यहाँ पे लास्ट ईयर यहाँ से पूरी 3 दुकानें गई थी, तब भी हमने इनको इतला दी, इनको बताया कि आइए नाले को तैयार करिए, वो 6 महीने गर्मियों के पूरे खत्म हुए। अब कहते हैं ना ये बरसात है, बरसात में हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास फंडिंग नहीं है। इनके पास कभी फंडिंग होगी? करोड़ों के हिसाब से इनकी फंडिंग आ रही है, जो बता रहे हैं हमने इतना पैसा लाया, वो कहाँ गया? क्यों नहीं बन रहा इनसे नाला? क्यों नहीं बना रहे हैं टाइम से नाला? जब बरसात आती है तो ये सामने आते हैं, तब पहले फिर कहाँ होते हैं, जब टाइम होता बनाने का तब कहाँ इनकी फंडिंग चली जाती है, तब फंडिंग का इंतजार करते हैं, जब फंडिंग आती है। अब हमने इनसे पूछा कि वो पुली हमारी जो मेन पुली है वो टूटी है 15 दिन से, 15 दिन हो गए हैं, वहाँ में कोई प्रोडक्शन करिए, कुछ करिए, प्रोडक्शन नहीं हो इनसे, चलो रेता फेंका, वहाँ रेते की बोरियाँ लगी। दूसरे दिन जय पुली चली गई, हमने यहाँ भी दिखाया भी यहाँ भी कुछ रेते की बोरियाँ ही लगा लो, ताकि किसी का घर बच जाए, किसी के बच्चे बच जाएं, कहीं रात को कोई जबरदस्ती कोई ऐसी कैजुअल्टी हो जाएगी, ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो जो सारे चले जाएंगे, फिर क्या जवाब दोगे आप जनता को? क्या जवाब दोगे? कहाँ आपकी फंडिंग, कहाँ आपकी स्मार्ट सिटी, क्या कर रहे हो दफ्तरों में बैठ कर? क्यों नहीं कर रहे हो काम, बताए ना हमें, वो टाइम कहाँ चला गया? इनके पास आज की बात नहीं है, हम पूछना चाहते हैं हम एक्सिन साहब से, कि इस मीडिया के रास्ते से, आपके रास्ते से देख, इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे चेहरे देख लीजिए, क्या हम आपके पास आए हैं या नहीं आए हैं, कितनी बार आए हैं, क्यों आए हैं? अपने घर के लिए थोड़े आते हैं हम, सोशल पब्लिक के लिए निकलते हैं। इस नाले के लिए, नाला किसने बनाना, हमने बनाना है, पब्लिक ने बनाना है, ये किसका काम है? सरकारों का काम होता ना नाले, डिपार्टमेंटों का काम होता ना, तो डिपार्टमेंट काम क्यों नहीं कर रहे? क्या बात है, बात बताएं ना, पैसा कहाँ जा रहा है? नीचे था नाला, वो हम लोगों ने निकल कर बनवाया था, काम इन्होंने वहाँ शुरू यहाँ से होना था, लेकिन उन्होंने उधर से शुरू किया, हम तब भी चुप रहे, क्योंकि वो भी हमारी जनता है, वहाँ भी जरूरत थी, कैजुअल्टी थी, हमने दिया मौका। लेकिन उसके बाद 2 साल हो गए हैं, वो फंडिंग आई, अब कहते हैं कालका कॉलोनी से शुरू किया जाएगा, नो, अगर नाला शुरू करना है तो राजीव नगर से शुरू होगा नाला, वरना जनता रोडों पे आएगी। अगर इस जगह पे, किसी जगह पे भी कोई कैजुअल्टी होगी, कोई नुकसान होगा, जिम्मेवार डिपार्टमेंट एक्सीएन होगा, जो धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे साथ। चले सर, क्या कहना चाहेंगे अब, फाइनली क्या डिमांड रहेगी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि कभी भी यहाँ पर कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है? बिल्कुल, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, रविंदर रैना जी अभी श्रीनगर में बैठ के जनता दबाव लगा रहे हैं, उनको देखो, वो भी हमारे भाई हैं, जम्मू कश्मीर वाले जो कश्मीर के भाई, वो भी हमारे, अब हम इनको क्या जवाब देंगे? ये एक मुस्लिम घर हमारे इधर सामने है, हमारे
देखो हम भाईचारे से रहते हैं, ठीक है, इनको कुछ हो जाएगा हम कैसे जवाब देंगे उनको जाके। ये उन्होंने कहना कि पता नहीं मुस्लिम का घर क्यों टूटा, हिंदू का क्यों टूटा, ये बाद में वो भी फसाद बनाते। बीजेपी क्या करती है, मुसलमान हिंदू को हिंदू से लड़वाती, वोट ये मांगते, ठीक है। अब ये झंडे पे आ गए, झंडा ये कहते हैं हम देश नहीं बिकने देंगे, इन्होंने तो हमारा झंडा बेच दिया है। जे आप झंडा नहीं, हम झंडा नहीं चढ़ाते थे 15 अगस्त को, कब के चला रहे हैं, 20-25 सालों के चलाते नहीं, हम झंडा नहीं चलाते। इन्होंने क्या किया, अपनी ठेकेदारी करने पैसे कमाने के लिए अपने तिरंगा झंडा, हमारा 30-30 रुपए का ये झंडा उधर बेच रहे हैं, बेच रहे नहीं बेच रहे, आप मीडिया कवर करते हो ना पूरा, उधर 30-30 रुपए का झंडा आपसे आप हमने कभी पैसे मांगे झंडा चलाने के लिए, हमने मांगे? इनके दिल में राष्ट्रभक्ति है, कौन सा मुस्लिम है कि उनके दिल में नहीं है? कितने शहीद होते हैं, होते नहीं होते। जे बीजेपी झंडा बेच के झंडा जे दिलो मनी डाल रही, जे पैसे कमा रही है, GST पे पैसे, उस पर छोटी छोटी जो पैसे, ये डिमांड मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन में काम नहीं लगा हमारा, हम पूरा रोड ब्लॉक करेंगे, एक्शन शिफ्ट गुप्ता की हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है एलजी से, इसको आज के आज ही ट्रांसफर करना चाहिए, बस हमारी यही मांग। शुक्रिया आपका। राजीव नगर वार्ड नंबर 7 में इस वक्त हम मौजूद थे और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के लोगों में एक गुस्से की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर इस पुली की मुरम्मत का काम नहीं लगवाया जा रहा है और कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। और लोगों ने इंतजामिया को चेतावनी दी है कि 3 दिन में अगर यहाँ पर काम नहीं लगाया गया तो हम नरवाल में जाकर नेशनल हाईवे को बंद करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अगले 3 दिन में इस जगह पर मरम्मत का काम लगवाया जाता है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।